अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीरीज में खुश आमदीद। इस सीरीज का आज हमारा सिक्स और इस चैप्टर का हमारा लास्ट लेक्चर भी है। चैप्टर सिक्स जो हमने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स पे, उसका सिक्स और आज हमारा लास्ट लेक्चर है। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। इससे पहले हमने थोड़ा सा यूटिलिटी प्रोग्राम को उसकी डेफिनेशन वगैरह को देखा था, आज हम उसे डिटेल से देखेंगे कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते क्या हैं। सर चलिए स्टार्ट करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होते हैं? यूटिलिटी प्रोग्राम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही टाइप होती है। दैट इज यूज्ड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? ताकि आप कंप्यूटर जो सिस्टम है उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकें। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो नहीं होता तो हमारे यूज़र उससे कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम को बाद में उसकी मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव हो सके। द यूज़र कैन यूज़ यूटिलिटी प्रोग्राम टू परफॉर्म मेंटेनेंस टास्क रिलेटेड टू डिफरेंट डिवाइसेस एंड प्रोग्राम्स। ये क्यों यूज़ करते हैं? ताकि यूज़र जो है मुख्तलिफ जो डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड हैं या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आपने उसमें किए हुए हैं तो उनके मेंटेनेंस टास्क को परफॉर्म कर सके। उसकी टाइप्स हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की डिफरेंट, जिन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या होता है? इज यूज टू मैनेज एंड व्यू फाइल्स इन कंप्यूटर सिस्टम। ये किस लिए होता है कि आपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स मौजूद हैं उनको मैनेज करना और उनको व्यू करने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हैं। हर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फाइल व्यूअर्स को लाजमी वो उसमें प्रोवाइड कर रहा होता है। इसमें जो विंडोज़ में विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो इसकी फाइल व्यूअर की ही एक एग्जाम्पल है। उसकी कुछ फंक्शन क्या है फाइल जो मैनेजर है या विंडोज़ एक्सप्लोरर है कि वो डिस्प्ले कराता है उसमें कितनी फाइल्स हैं, उन फाइल्स को फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है। आपने कोई भी फाइल को कॉपी करना है, रीनेम करना है, डिलीट करते हैं, मूव करते हैं या सॉर्ट करते हैं, तो ये सारे टास्क भी फाइल मैनेजर के होते हैं। या आप उसकी कोई भी शॉर्टकट जो क्रिएट करते हैं तो ये सारे टास्क जो हैं वो फाइल मैनेजर के हैं। नेक्स्ट है इमेज व्यूअर। इमेज को व्यू करना है या आपने कोई भी ग्राफिक्स की फाइल को डिस्प्ले करना है, कॉपी करना है या प्रिंट करना है, तो उसके लिए जो यूटिलिटी प्रोग्राम यूज होता है उसे इमेज व्यूअर का नाम देते हैं। विंडोज़ में जो विंडोज़ फोटो गैलरी है वो इमेज व्यूअर के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसके ज़रिए आप फोटोज़ को मैनेज या एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो सर्च यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि सर्च यूटिलिटी में आप की पूरी जो हार्ड डिस्क है उसमें आप कोई भी फाइल को उसके अंदर सर्च कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें ये फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। ड्राइव इमेजिंग। ड्राइव इमेजिंग का ये मतलब होता है कि आपको हार्ड डिस्क की सारा एक मिरर इमेज देती है, आपको बताती है कि उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशंस और जितनी भी फाइल्स या डिस्क डेटा है उनका एक आपको इमेज बता देती है। डिस्क बर्निंग क्या होता है? डिस्क बर्निंग का मतलब ये होता है कि ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से आप कोई टेक्स्ट, कोई ग्राफिक्स, कोई ऑडियो या वीडियो फाइल्स को किसी रिकॉर्डेबल या री-रिकॉर्डेबल सीडी, री-राइटेबल सीडी या डीवीडी के ऊपर उसमें आप डेटा को राइट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये यूज़र इसके ज़रिए बैकअप भी ले सकता है किसी भी ऑप्टिकल डिस्क पे। फाइल कंप्रेसर क्या होता है? कंप्रेस क्या करते हैं? कंप्रेस का मतलब होता है रिड्यूस करना। अगर आपने फाइल के साइज़ को रिड्यूस करना है, कम करना है, ताकि उसे किसी को भेजने में आसानी हो, तो उसके लिए भी यूटिलिटी प्रोग्राम जो यूज़ होता है उसे फाइल कंप्रेसर का नाम देते हैं। विनजिप जो है ये इसकी कंप्रेसर की एक एग्जाम्पल है। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी क्या होती है कि इसके ज़रिए आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। वो डिटेक्ट उसके कैसे कर सकते हैं कि अगर आपने ये रिपेयर नहीं करता, आपने यहाँ पे ये बात को नोटिस करना है कि ये प्रॉब्लम को रिपेयर खुद ब खुद नहीं करेगा, ये जस्ट आपको डिटेक्ट करके बताएगा। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मुख्तलिफ जो डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है।
पर्सनल कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी जो है ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें फिक्स करती है और आपके डिस्क के प्रॉब्लम्स को भी, हार्ड डिस्क के प्रॉब्लम्स को भी ये डिटेक्ट करके रिपेयर कर देती है और उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। और इसमें जो नॉर्टन सिस्टम वर्क्स है वो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में मेंटेनेंस यूटिलिटी के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। नेक्स्ट है डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर क्या करते हैं, ये आपकी डिस्क के फिजिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करती है और हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एंटीवायरस क्या होता है, वायरस जैसे आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर मुख्तलिफ ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होते हैं, वो आके आपकी हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को कम कर देते हैं। तो मुख्तलिफ तरह के वायरस होते हैं तो इसके लिए भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है जो उन वायरस को डिटेक्ट करते हैं। उन वायरसेस में वो सारे प्रोग्राम जो हैं वो लिखे होते हैं, वो सारे वायरस होते हैं वो उन्हीं को उनसे मैच करके उनको डिटेक्ट करता है। इसलिए जब भी आपको अपडेट आ रहा हो वायरस का तो आपने उसे अपडेट करना है ताकि वो नए नए जो वायरस आ रहे होते हैं उनको भी वो डिटेक्ट करके रिमूव कर सके। नॉर्टन जो है वो इसकी एंटीवायरस की एक एग्जाम्पल है। डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या होता है, आप हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हार्ड डिस्क के अंदर हमारा डाटा सेव होता है। बाज़ दफ़ा जो हमारा डाटा होता है वो जो उसमें मेमोरी चंक्स बने होते हैं उससे कम होता है, तो वो जो चंक में वो डाटा सपोज अगर 2 MB का था मगर उसमें वो चंक जो था मेमोरी की जो उसमें साइज था 2 MB का था मगर डाटा उसमें 1.5 का था, तो 0.5 जो है वो स्पेस उसकी वैसे ही पड़ी हुई है। तो डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, उन साइज को उन फाइल्स को रीअरेंज करके इकट्ठे कर देता है और आपके जो कंप्यूटर की स्पेस है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है और वो अनयूज जो स्पेस पड़ी होती है वो एक जगह पे हो जाती है ताकि आप उसे यूज कर सकें। बैकअप एंड रीस्टोर यूटिलिटी। बैकअप का क्या मतलब होता है कि आप अगर चाहते हैं कि आप अपनी फाइल्स की कॉपी बना के किसी और मीडियम पे रखें और जब आपका वो डाटा लॉस हो जाए तो आप उसे यूज कर सकें। और रीस्टोर क्या है कि जब आपका डाटा जो है वो लॉस हो गया तो आप उसे वापस अपने कंप्यूटर में आप दोबारा उसे ओरिजिनल फॉर्म में ले सकें, तो ये फैसिलिटी भी मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं। टास्क मैनेजर यूटिलिटी क्या है कि जब यूजर कंट्रोल अल्ट और डेल की को इकट्ठे प्रेस करता है तो उसके बाद एक विंडोज टास्क मैनेजर अपेयर होता है और वो बताता है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम या प्रोसेस उस वक्त रन कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, तो उनके मुताबिक वो यूज़र को बताता है तो वो उसके मुताबिक अपना कोई भी काम कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप क्या है कि ये आपके कंप्यूटर में जो अननेसेसरी फाइल्स होती हैं उनको पहले सर्च करता है और फिर उन्हें रिमूव करता है। अननेसेसरी फाइल्स में कौन सी हैं कि आपने टेम्परेरी जो इंटरनेट फाइल्स होती हैं, डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, डिलीटेड फाइल्स होती हैं, अनयूज्ड प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, तो आपने उन्हें ये सर्च करके रिमूव कर देता है। अनइंस्टॉलर क्या है, ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। आपने अपने कंप्यूटर में मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और जब आपको उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप चाहते हैं उन्हें अपने कंप्यूटर से रिमूव करें, तो अनइंस्टॉलर उन इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर हैं उनको आपके कंप्यूटर से रिमूव करता है। टास्क स्केजुलर यूटिलिटी क्या करता है कि जैसे ही आपका ये स्केजुअल करने के लिए टास्क को इस्तेमाल होता है और जैसे ही आपका विंडोज स्टार्ट होती है तो ये भी हर वक्त उसके साथ स्टार्ट हो जाता है और बैकग्राउंड पे चलता रहता है। पर्सनल फायरवॉल क्या होता है, ये यूज करते हैं डिटेक्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड इंस्ट्रक्शन से, तो इसमें बिल्ट इन पहले से फायरवॉल होते हैं जो विंडोज में जैसे आप विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ये भी इंस्टॉल हो जाते हैं। स्पाईवेयर रिमूवर क्या होता है कि ये आपके स्पाईवेयर रिमूवर भी एक प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर से स्पाईवेयर को डिटेक्ट करके डिलीट करता है। और स्पाईवेयर क्या होता है, ये भी एक वायरस की तरह का होता है कि ये आपके यूजर के नॉलेज के बगैर ही आपके कंप्यूटर में आ जाता है, आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कहीं आप मोस्टली आप जो इंटरनेट पे चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं उनको देख के वो इंफॉर्मेशन ले
लेता है और आपको पता भी नहीं होता। और बाज दफा ये इंफॉर्मेशन बड़ी गलत जगहों पे इस्तेमाल हो जाती है, तो मोस्टली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें स्पाईवेयर रिमूवर होता है कि इस तरह का कोई प्रोग्राम एक्टिव ना हो। और इसके लिए जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है वो स्पाई स्वीपर होता है। एडवेयर रिमूवर क्या होता है, एड जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह होती हैं और आपके यूजर के नॉलेज के बगैर ही उसमें एड आना शुरू हो जाते हैं, तो एडवेयर रिमूवर भी इसके अंदर एक यूटिलिटी प्रोग्राम्स होता है। फाइल कन्वर्जन यूटिलिटी क्या करता है कि आपकी फाइल को के फॉर्मेट को चेंज करता है। आप चाहते हैं कि आपका फाइल जो है वो एक फॉर्मेट से दूसरे में चेंज हो जाए, तो उसके लिए फाइल कन्वर्जन यूटिलिटी इस्तेमाल होता है। आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने यूटिलिटी प्रोग्राम्स और उनके टाइप्स को डिस्कस किया है। अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।